सीमा मोहब्बत की दुहाई देती रही है, लेकिन सीमा पर शक करने के बहुत सारे कारण हैं। एक एक करके हम वो आपको कारण भी बताएंगे कि आखिर सीमा शक के दायरे में क्यों है। जांच एजेंसियों का दावा है कि सीमा ने अब तक की पूछताछ में जो भी जानकारी दी है वो जांच में सही साबित नहीं हुई है। सीमा पर फर्जी और गलत जानकारी देने का आरोप है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं दरअसल क्यों सीमा शक के घेरे में है। हर सर्टिफिकेट में उम्र अलग अलग है, जितने सर्टिफिकेट दिखा रही है उन सब में उम्र अलग अलग दिख रही है सीमा हैदर की। और इसके अलावा मोबाइल का डेटा भी डिलीट किया गया है। सीमा हैदर के मोबाइल और सोशल मीडिया का डेटा भी अलग अलग पाया गया है और कुछ डेटा को डिलीट भी कर दिया गया है। सीमा का एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला है, ये कौन सा मोबाइल फोन है, कहाँ इस्तेमाल हुआ, टूटा कैसे, ये बड़ा सवाल। और देखिए कई सवाल इसलिए भी हैं कि पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन होने का शक भी गहराता जा रहा है। सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन है, ऐसी बातें भी सामने आ चुकी हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि पूछताछ में सीमा ने जो नेपाल का रूट बताया, जो तारीख बताई, वो गलत बताई जा रही है। यानी कि पूछताछ में लगातार गुमराह करने की कोशिश है और इसीलिए लगातार सीमा पर जो शक है एटीएस का वो गहरा रहा है। और अब सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर केस में आईएसआई एंगल को लेकर जांच शुरू। खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर के नेपाल रूट से भारत आने को लेकर संदेह। सीमा हैदर के कोड वर्ड्स को डिकोड करेगी यूपी एटीएस। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर पर गहराया शक। एटीएस का दावा सीमा हैदर ने किया था फूफी और फल कोड वर्ड का यूज। आईएसआई जानकारी के लिए फूफी और रुपये के लिए करता है फल कोड का इस्तेमाल। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। भारत आने से पहले सीमा हैदर ने सेना के कुछ जवानों को भी भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में कौन था सीमा हैदर का मददगार? एटीएस की पूछताछ में सीमा नहीं दे पाई इस सवाल का सही जवाब। सीमा हैदर और सचिन के करीबियों के बैंक खातों को खंगालने में जुटी यूपी एटीएस। पिछले कुछ महीनों के ट्रांजैक्शन की जुटाई जा रही है जानकारी। कल शाम 8:30 बजे तक सीमा और सचिन से एटीएस ने की पूछताछ। पूछताछ के बाद सुरक्षा कारणों के चलते सीमा और सचिन को सेफ हाउस में किया गया शिफ्ट। केंद्रीय एजेंसी की जांच में 13 मई को सीमा का नेपाल बॉर्डर पार करने का दावा फेल। सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में थर्ड नेशन सिटीजन की कोई जानकारी नहीं। सीमा हैदर के भारत में एंट्री को लेकर जांच तेज। 13 मई को नेपाल से आने वाली सभी बसों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जांच एजेंसियां। सीमा हैदर के बयानों को वेरीफाई करने के लिए नेपाल जाएगी यूपी एटीएस। सीमा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर की जाएगी जांच। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर चल रही है। 2 दिन तक लगातार सीमा हैदर से पूछताछ हुई और बताया जा रहा है कि 15 घंटे से ज्यादा यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की। और इस पूछताछ में तमाम ऐसे सवाल थे जो सीमा हैदर से पूछे गए और उसके जवाब भी सीमा हैदर की ओर से दिए गए, लेकिन जो जवाब सीमा हैदर की ओर से दिए जा रहे थे यूपी एटीएस उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी। जांच एजेंसियों के गले से वो तमाम जो बातें सीमा हैदर की ओर से कही गई वो नहीं उतर रही थी और इसीलिए जांच एजेंसी फिर से उससे पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन 2 दिन तक तो पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती रही क्योंकि सीमा हैदर एक तरीके से कहा जाता है कि दुश्मन देश से आई है, पाकिस्तान से आई है, बहुत लोग उसे दुश्मन देश मानते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल थे क्योंकि जासूसी का एक एंगल सामने आ रहा था और ऐसे में लोगों की भावनाएं आहत हो सकती थी, लोगों की भावनाएं भड़क सकती थी। इसी के मद्देनजर 2 दिन तो यूपी एटीएस ने थाने में पूछताछ की लेकिन उसके बाद उन्हें सेफ हाउस में रख दिया गया है। कहां रखा गया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ये पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा जब तक तमाम सवाल जो है उनके जवाब नहीं मिल जाते। सीमा हैदर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही सीमा हैदर के नेपाल रूट पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि पूछताछ में सीमा हैदर ने अपने नेपाल में होने की सही सही जानकारी नहीं दी है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर काठमांडू के 2 होटल में अपने बच्चों के साथ रुकी हुई थी। सीमा ने 13 मई को भारत में दाखिल होने की बात कही है लेकिन अभी तक की जांच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। सीमा दावा यह भी करती है कि जांच के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी जांच की जाएगी, जो जांच एजेंसियां हैं उनके दावों को खंगालेंगी।
और उसके साथ ही 13 मई को भारत नेपाल बॉर्डर से गुजरने वाली सभी बसों की भी जांच की गई है। तो देखिए यूपी एटीएस लगातार सवाल कर रही है और सवाल इसलिए कर रही है कि जवाब जो यूपी एटीएस को मिल रहे हैं वो काफी नहीं है। और फिलहाल हम सचिन के चाची के घर में मौजूद हैं जिन्होंने साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम बहुत डरते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। देखिए सीमा हैदर यहाँ पर काफी दिनों तक रही, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में ठीक बगल वाला जो घर है चाची, जो कि तमाम रस्मों रिवाजों में शामिल दिखाई दी थी, वो अब मना कर रही हैं। और डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि सीमा मामले में उनका परिवार भी फंसता नजर आए। लेकिन सीमा हैदर जिस तरह के बयान दे रही है वो गले से उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि रटा रटा मोहब्बत वाला जो बयान वो दे रही है दरअसल वो ही शक पैदा करता है। और उसके बाद उसके तमाम सबूतों को मिटाना, तमाम पासपोर्ट्स का मिलना और उसके बाद कई सिम कार्ड्स का मिलना, मोबाइल्स का मिलना, वो सिम कार्ड कहाँ का है, किसके नाम से इशू कराया गया, ये तमाम सवाल हैं जो कि यूपी एटीएस आगे भी पूछेगी। पिछले दो दिन एटीएस ऑफिस में बिताए सीमा हैदर के वो 15 घंटे शायद उनकी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित हुए होंगे, क्योंकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिस तरह से सीमा हैदर ने दुनिया के सामने खुद को पेश किया था वो किसी अभिनेता से कम नहीं था। सरहद की सीढ़ियों को लांघकर भारत की जमीन तक पहुंचने में शायद सीमा को उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ा हो जितने इन 15 घंटों में एटीएस अधिकारियों ने उनसे किए। एटीएस सूत्रों का दावा है कि सीमा बेहद ही शातिर दिमाग की है, उससे जितने सवाल किए जा रहे हैं वो उतना ही जवाब दे रही है। भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन से मोहब्बत बता रही है और जिंदगी हिंदुस्तान की सरहद में रहकर गुजारने का दावा कर रही है। तीन चार चीजें अहम यहां पर जानकारियां मिली है कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से और मोबाइल से डेटा डिलीट किए गए थे। सीमा सचिन के अलावा कई और लोगों से संपर्क में थी। सीमा का जो आई कार्ड था वह भी फर्जी था। इसके अलावा सीमा का जो लोकेशन था जो उसने बताया था अपने बयानों को, वह लोकेशन पूरी तरीके से अलग है। सीमा के पाकिस्तान से दुबई जाने, दुबई से नेपाल जाने और फिर नेपाल से भारत के सरहद में घुसने तक के रोड मैप को एटीएस अधिकारी सीमा के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए सीमा की जितनी बार एटीएस के सामने हाजिरी लग रही है उतनी बार वही सवाल दोहराए जा रहे हैं और सीमा के दोनों सवालों के बीच असमानता ढूंढी जा रही है। सीमा को लेकर कई सवाल संदेह पैदा करने वाले हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल, सीमा ने चैट क्यों डिलीट की? सीमा ने सचिन की मोहब्बत में सरहद पार की, भारत के लोगों के साथ घुलमिल जाने के लिए हिंदी सीखी, परिवार के करीब आने के लिए उनकी दिन रात खिदमत की, ये समझ आता है। लेकिन सवाल है क्या आखिर पाकिस्तान से आते ही उसने अपनी चैट क्यों डिलीट कर दी, पुराने मैसेज क्यों डिलीट कर दिए, आखिर उस चैट में ऐसा क्या था जिसे वो सचिन से छिपाना चाहती थी, परिवार को नहीं दिखाना चाहती थी और उस राज को खुद में ही रखना चाहती थी। सवाल, मोबाइल डेटा क्यों डिलीट किया? सीमा के पास से पुलिस को 4 मोबाइल बरामद हुए, एक टूटा मोबाइल और एक सिम भी मिला, लेकिन जब सीमा के मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें से सारा डेटा डिलीट था, किसी भी तरह की कोई फोटो या जानकारी नहीं थी जिसे रिकवर करने के लिए जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। सवाल, नेपाल में एसएसबी को कैसे चकमा दिया? भारत नेपाल की सरहद पर सशस्त्र सुरक्षा बल की टुकड़ी तैनात है जो हर आने जाने वालों पर नजर रखती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सीमा हैदर एसएसबी को चकमा देकर हिंदुस्तान की सरहद में कैसे दाखिल हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे की मदद से सीमा को सरहद पार कराई गई हो? सवाल, सीमा का दुबई कनेक्शन। भारत आने से पहले सीमा हैदर ने पाकिस्तान से दुबई जाने की बात कही है। ऐसे में एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आखिर
सीमा हैदर दुबई में किससे मिली, किसके जरिए नेपाल की सीमा तक पहुंची और किसने उसकी दुबई जैसे बड़े शहर में रहने में मदद की। ऐसे तमाम सवालों को कड़ी बनाकर एटीएस की टीम सच की तह तक जाने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन से प्यार है या फिर वो किसी साजिश का हिस्सा है।